केन विलियमसन ने मिशेल सैंडल्स को सामने तरफ खेल दिया है। बाय द वे कैटी की मांग है वन बाउंस मिल जाएगा चौका। दूसरी गेंद सामने तरफ फिर से मारा है सेम ट्रैक एंड शॉट और इस बार और भी बेहतरीन तरीके से सेम काइंड ऑफ डिलीवरी मारा है सामने की तरफ ही और उससे भी बेहतर। लाइक पहला अगर बोले हम गुड, सेकंड वाला बेटर और थर्ड वाला बेस्ट। हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट 22 महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट करियर मोड के एक और नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि हमारी जो सीरीज है वो चल रही है श्रीलंका के साथ और पिछले मैच में जो कि था ओडीआई नंबर वन माही ने वहां पे बनाए थे भाई साहब 124 रन, ताबड़तोड़ भयंकर इनिंग खेली थी जिसके बदौलत भारत ने वो पहला मैच आसानी से जीत लिया था। एंड अब हम आ चुके हैं गाइस सेकेंड ओडीआई इंडिया वर्सेस श्रीलंका और ये होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम। आई थिंक सो श्रीलंका में ही हो रहा है ये, श्रीलंका के होम ग्राउंड्स में, सॉरी आई थिंक सो इंडिया में हो रहा है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी इंडिया में हो रहा है गाइस ये। और ये होने वाला है 2 बजे से जो कि होने वाली है हार्ड और ड्राई पिच। तो भाई साहब वही वाला सीन है कि स्पिन होगी ऑब्वियसली 15-20 ओवर के बाद, बट रन्स हैं इस पिच पर, लाइक पाटा पिच है तो रन्स बनेंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर जो कप्तान जो हैं उनको लेना चाहिए यहाँ पे बैटिंग पहले, या चेस भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे राष्ट्रगान होता है उसके बाद फिर अपन करते हैं बात गाइस। ऑलराइट, तो स्वागत है आप सभी का सेकंड ओडीआई भारत बनाम श्रीलंका और ये है प्रेमदास स्टेडियम एंड पिच जो होने वाली वो होने वाली है हार्ड एंड ड्राई। तो रन से इस पिच पर एक अच्छा निर्णय रहेगा अगर भारत यहाँ पे चेस करने जाएगी। लाइक ड्यू फैक्टर भी रहता है भारत में, आपको पता ही है कि रात के वक्त ओस ज़्यादा गिरती है तो ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है गेंद को। तो अगर जो है चेस करेंगे यहाँ पर तो मदद मिलेगी थोड़ा सा, लेकिन अगर पहले बैटिंग करते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वही वाली बात है कि चेस करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर। लेट्स सी यहाँ पे श्रेयस अय्यर कप्तान क्या करते हैं निर्णय, पहले बात क्या टॉस जीतते हैं भारत यहाँ पे। सिक्का उछाला, श्रीलंका ने हेड्स की मांग करी है एंड श्रीलंका वॉन द टॉस। लेट्स सी श्रीलंका क्या गेंदबाजी करेंगे या फिर पहले करेंगे बल्लेबाजी। तो पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे श्रीलंका की टीम यहाँ पर और भारत को जो चाहिए था वो मिल गया है लाइक चेस करने का मौका। तो लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर तैयार हो जाइए इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड ओडीआई और ये होने वाली है गाइस 5 मैच की सीरीज, तो लंबी चलने वाली है। लाइक ऐसा नहीं है कि यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट मैच शायद डिसाइड हो सकता है अगर भारत ये मैच जीतता है। तो अगर श्रीलंका जीतती है 1-1 की बराबरी होती है तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे गाइस एक चीज़ आपको अपडेट दिखाना चाहता हूँ, रोहित शर्मा वापस आए हैं, आई थिंक सो इंजर्ड थे, यहाँ पे सेकेंड ओडीआई में जो है ज्वाइन कर लिया है। पता नहीं यार हर सीरीज में रोहित शर्मा सेकेंड ओडीआई और सेकेंड टेस्ट या क्यों ही ज्वाइन करते हैं, आई डोंट नो गाइस। चलिए पहला ओवर यहाँ पे मोहम्मद सिराज डालते हुए एक ओवर जो है हम गाइस कीपिंग करेंगे और उसके बाद जो है हम डायरेक्टली स्किप मार के बैटिंग की तरफ बढ़ेंगे गाइस। ओके यहाँ पे रोहित शर्मा वैसे लगे हमारे बगल में स्लिप पर। चलिए बैटिंग के बाद गाइस डालते रहा भाई सिराज, डालते रहा एक बाउंसर मार दे उसको बीच में, हार्ड एंड ड्राई पिच है, स्टार्टिंग में स्विंग भी मिलेगी सीम भी मिलेगी देखने के लिए आपको। बड़ा यहाँ पे मैंने स्किप मार दिया अभी, लेट्स सी कितना टारगेट मिलता है, 300 समथिंग प्लस मिला है, बट आई थिंक सो भारत जीत जाएगी यहाँ पे। ले भाई माही की बल्लेबाजी आने से पहले भाई जीत गई यहाँ पे भारत। यार कप्तान बनना है यार मुझे लिटरली, यार बहुत ज़्यादा नीचे खिला रहे हैं यार ये लोग मुझे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका और अगर ये वाला मैच जो है भारत जीत जाती है तो फिर आसानी से जो है सीरीज को नाम कर लेगी, बिकॉज 3-0 से आगे हो जाएगी भारत, वहां पे फिर कोई चांस बनेगा नहीं श्रीलंका को वापस आने का। ये श्रीलंका के लिए मैच बहुत ज्यादा क्रूशियल है। चलिए यहाँ पर राष्ट्रगान और राइट, ये वाला जो आप देखिए क्रिकेट ग्राउंड जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पता नहीं यार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये बता रहे हैं बट कौन से ग्राउंड्स में करा रहे हैं आई डोंट नो गाइज, मतलब कहाँ हो रहा है यार इंडिया ग्राउंड्स नहीं लग रहे मुझे, बट उनको इंटरनेशनल बोला जा रहा है पता नहीं क्यों, क्योंकि यार एक भी पवेलियन नहीं दिख रहे मुझे, बहुत बड़े बड़े स्टैंड्स बड़े बड़े नहीं दिख रहे। तो भाई किस टाइप के यार इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं यार, ये खुले मैदान दिख रहे हैं वो न्यूजीलैंड और वो न्यूजीलैंड टाइप या जैसे न्यूजीलैंड्स में होते ना मोस्टली।
चलिए श्रीलंका ने मांगा यहाँ पे टेल्स और फिर से भाई श्रीलंका टॉस जीत गया भाई। भारत भाई यार एक तो टॉस जीत जा मेरे भाई कभी, और फिर से बैटिंग ली है इन्होंने। रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है क्या सेकंड ओडीआई का? चलो फिर से वही मारते हैं स्किप हम सेम, लेट्स सी कितने रन बनाते हैं यहाँ पे। फिर से 300-300 कुछ बना दिए। ऑल राइट यहाँ पे गाइस आ चुके फाइनली हमारे बैटिंग थर्ड ओडीआई में, और एवरेज देखिए भाई हमारा माही का एवरेज देखिए 89 का चल रहा है गाइस। और दशुन शाना का टारगेट जो है 336 का, 200 तो भारत बना चुकी है। 33 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं, लेट्स सी अपने को कितने रन बनाने कितनी गेंदों में। आई थिंक सो अभी हमारे पास हैं 17 समथिंग ओवर, 16 पॉइंट समथिंग आप समझ लो मोटा मोटा लगा लेंगे अगर हम, और उसमें चाहिए अपने को 116। तो कंट्रोल में है गाइस सिचुएशन यहाँ पे, और जो है एच राणा हमारे साथ खेल रहे हैं ऑलरेडी 46 समथिंग, तो जो कि सेट बैट्समैन है। बस अपने को साथ देना, उनका स्ट्राइक रोटेट कराना है एंड यहाँ पे स्कोर बोर्ड को चलाना है, दैट्स इट। आराम से गाइस जीत जाएंगे और आई थिंक सो भारत जो है सीरीज को भी नाम करेगी यहाँ पे बड़े आसानी से, लेट्स सी। चलो इजीली कट निकाला इस बार, काफी बार तो बाहर की तरफ गेंद, फुल फ्लस ड्राइव और मिल जाएगा एक रन। ये रात हो चुकी गाइस, आप देखिए ओस की वजह से आई थिंक सो ज्यादा स्पिन देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको और रन भी मिलेंगे यहाँ पे। रिक्वायर्ड रन 7.93, व्हाट सीरियसली कितने गेंद में कितने रन चाहिए। yep. इस बार हल्का सा फ्लिक करा माही ने लेग साइड की दिशा में और मिल जाएगा यहाँ पे एक रन। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोड करेंगे और स्ट्राइक देंगे यहाँ पे एच राणा, 58 पे पहुंच चुके हैं और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है फिलहाल एच राणा। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। और यहाँ पे गाइस मार दिया पुल शॉट, हल्का सा शफल करके जो आए थे ऑफ स्टंप की तरफ महेंद्र सिंह धोनी भाई साहब, डायरेक्ट थ्रो यार इन लोग के, भाई डायरेक्ट थ्रो से मुझे डर लगता है लिटरली भाई, डर बैठ गया दिल में एकदम, मतलब मन में डर बैठ गया अभी। और सिंगल तो रिस्की सिंगल बिल्कुल नहीं, यहाँ पे विकेट गिर गया गाइस बाय द वे एच राणा का। और अब आ चुके बल्लेबाजी के लिए हमारे साथ अनुकूल रॉय, तो दोनों ही नए बैटिंग प्लेयर हैं, थोड़ा सा समय ले सकते हैं माही भी और अनुकूल रॉय भी, और यही वक्त है श्रीलंका के लिए जो है बाउंस बैक करने का अगर इस मैच में वापसी करना चाहती है। 79 में 130 रन चाहिए गाइज, अब जो लग रहा है कि थोड़ा सा वापसी कर सकती है श्रीलंका। शुरुआत में नहीं लगता क्योंकि एक साइड बैट्समैन जो हमारे साथ खेल रहे थे वो थे एच राणा, बट अब कोई भी साइड बैट्समैन नहीं है, दोनों के दोनों नए बल्लेबाज हैं यहाँ पे। अगर एक और विकेट जाती है तो भाई वापस आ सकती है श्रीलंका, कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते भाई, कुछ भी हो सकता है। नहीं बच गया भाई, बच गया भाई, इजी बॉय, ये शॉट नहीं खेलना भाई, वहां पे थर्ड स्लिप लगा रखे इसीलिए उन्होंने, सीधा हाथ में जा सकता था गाइस अभी कैच, वो कट शॉट निकालना चाहता था मैं थर्ड विंग की तरफ, लेकिन कनेक्शन नहीं। ये वाला बैटर है, हल्का सा लेट खेला इसको थर्ड विंग की दिशा में और गैप में बेसिकली, और यहाँ पे मिल जाएगा एक रन। 74 गेंद 112 रन, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। और आई थिंक सो माही के ऊपर फिर से जिम्मेदारी आ चुकी है फिनिश करने की। ऑल राइट सुरेश अय्यर इतना नीचे क्यों खेल रहा है, एक और विकेट गिर गया बाय द वे गाइस यहाँ पे, और सुरेश अय्यर इतना नीचे खेल रहा है भाई कप्तान होके, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई ये बात। सुरेश अय्यर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लाइक मिडिल ऑर्डर तो ठीक है लाइक चौथे पांचवें पर, बट छठे सातवे पर आ रहे हैं मुझे समझ नहीं आई ये बात। जो भी हो खैर उनका कॉल है क्योंकि कैप्टन वाइब वही है तो हम कुछ नहीं कह सकते। आ जा फुल फ्लैट टाइप, कम ऑन, बच गया भाई, थोड़ा सा रिस्की था लेकिन हो जाएगा, चुरा लिया वे सिंगल। 70 में चाहिए गाइस 109 रन, बड़े शॉट्स लगाने होंगे लेकिन ऑब्वियसली हम मैच को जो है डीप ले जाएंगे, अभी हम नहीं चाहते बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में जो है हमारा लाइक माही का विकेट जाए यहाँ पे। और जो मुझे लग रहा है कि एक बंदा जो है मैच जिता सकता है वो माही है, क्योंकि अय्यर आए जरूर है लेकिन मुझे लग रहा है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अय्यर। बाय द वे गाइस रिक्वायर्ड रन रेट जो है 9 का जा चुका है, करंट रन रेट 6 का चल रहा है, आई नो प्रेशर है दब। व्हाट अ बॉल, अनप्लेबल डिलीवरी गाइस, इस पे कुछ नहीं करा जा सकता भाई, अनलक्की थोड़ा सा माही यहाँ पे, दिस वॉज अनप्लेबल डिलीवरी गाइज, मैं आपको रिप्ले दिखाता हूँ भाई, बोलो तो डे मैच पता नहीं जो दशुन शानका
मैच लाइक बना दिया यहाँ पे श्रीलंका के लिए। भाई क्या बॉल डाली है ये, एक मिनट में तो वही देखना, कटर डाली थी क्या ये? यप, यहाँ पे बेसिकली डाली है इन्होंने ऑफ कटर, और पढ़ने के बाद अच्छे खास अंदर आ गई भाई। और बाउंस भी लाइक जितना होना चाहिए तो उतना हुई नहीं, अनइवन बाउंस थोड़ा सा, नीचे रहेगी बॉल गाइस। आप देखिए भाई कोई चांस ही नहीं है ये वाला बॉल खेलने, कहाँ से खेलेगा भाई कोई बैट्समैन। वहाँ लाइक एक्सपेक्ट करी थी कि यह तो आएगी बहुत ज़्यादा लेग स्टंप पर, ओ हल्का सा लाइक अगर मिस भी करते तो ऊपर से लग रहा था कि चली जाएगी, बट भाई मिडिल में मारी सीधा डंडे पर। बट आई होप सो इंडिया भी जीत चुका है 3 विकेट नुकसान पर, एंड दर्शन शाना करेंगे मैंने तो प्लेयर तो मैच, बट भारत यहाँ पे सीरीज को जो है नाम कर चुका है गाइस 3-0 से। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, पहले मैच में लाइक हमारी परफॉर्मेंस आई थी, दूसरे मैच में चांस मिला नहीं, तीसरे मैच में भाई हो गया भाई अनफॉर्चुनेट, लाइक अनप्लेड डिलीवरी थी वहाँ पे, एक अनफॉर्चुनेट विकेट। चलते हैं गाइस यहाँ पे फोर्थ मैच की तरफ, चलिए कोच साहब कुछ बोल रहे हैं फिलहाल। वी आर गो स्पॉट हेयर कीप गोइंग, बाय द वे सीरीज हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। चलिए गाइस ऑल राइट, यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग भारत बनाम श्रीलंका फोर्थ ओडीआई, एंड 3-0 से जो है ऑलरेडी भारत आ गया। चलिए यहाँ पे राष्ट्रगान उसका बात करते हैं आपसे, लेट्स सी होपफुली आज हमारी बैटिंग आ जाए। ऑल राइट, स्वागत है आप सभी का फोर्थ ओडीआई मैच यहाँ पे भारत वर्सेस श्रीलंका, एंड 3-0 से जो है ऑलरेडी भारत इस सीरीज को जीत चुकी है, आगे चल रही है, और बस देखना ये कि क्या भारत जो है इसको क्लीन स्वीप कर पाएगी। बाय द वे यार दो मैचेस अच्छे नहीं गए, लाइक दो मैचेस, हाँ एक मैचेस, दो मैच नहीं बोल सकते क्योंकि सेकेंड ओडीआई में तो हमारी बैटिंग ही नहीं आई, एंड थर्ड में लाइक चांस था वहाँ पे अच्छा मैच फिनिश करने का, बट वो एक अनप्लेबल डिलीवरी से हम बोल्ड हो गए भाई। फिर से श्रीलंका भाई बैटिंग, भाई श्रीलंका को अलग ही नशा चढ़ा हुआ है भाई, दावे बैटिंग का भाई पहले बैटिंग कर रहे हैं यार ये लोग हर मैच में, लेकिन रन बना रहे हैं भाई दावे, ऐसा नहीं कि रन नहीं बना रहे लोग, लगता है इसमें बैटिंग नहीं आने वाली मेरी। ले ये मैच भी गया 8 विकेट से, जीत गया आराम से। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे चौथे मैच में भी आपने देखा कि बैटिंग नहीं आई हमारी, और यहाँ पे हम आ चुके हैं गाइस फाइनल मैच इस सीरीज का फिफ्थ ओडीआई, एंड यहाँ पे लाइक क्लीन स्वीप की कगार पर है ऑलमोस्ट श्रीलंका। लेट्स सी क्या भारत क्लीन स्वीप कर देगी यहाँ पे श्रीलंका को। ऑलराइट, यहाँ पे पांचवा मैच भारत बनाम श्रीलंका, और महेश सिंह थोड़ा सा प्रमोशन मिला है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक पांचवें नंबर पे अपने को दिया है प्रमोशन। लाइक पहले मैच में जो हमने शतक मारा था ना उसके बाद प्रमोशन मिला है, लेकिन दूसरा मैच में हमको बैटिंग नहीं आई, तीसरा मैच में बैटिंग आई बट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वो अनप्लेबल डिलीवरी की वजह से, चौथा मैच में बैटिंग नहीं आई भाई यार एक इनिंग दिखानी पड़ेगी वरना डिमोशन भी मिल सकता है दोबारा से। फाइनली इस वाले मैच में जो है श्रीलंका ने बॉलिंग लिया, वरना भाई पूरी की पूरी सीरीज इन्हें बैटिंग ही करी है पहले और कुछ भी काम नहीं कराने के लिए भाई, तब यहाँ पे विकेट गिरते हुए, और अब जो है परीक्षा की घड़ी आ चुकी है माही के लिए। एवरेज देख रहे हो गाइस 69 का चला गया एकदम से 89 से, इस मैच में भाई रन बनाने होंगे अच्छे खासे अपने को, एक शतक मांगता है इस मैच में। चलिए पहली गेंद यहाँ पे ड्राइव कर दिया माही, आई थिंक सो बीट नहीं कर पाएगी वहाँ, फील्डर को मिल जाएंगे 2 रन, खाता खोलेंगे यहाँ पे माही 2 रन के साथ। हमारे साथ खेल रहे हैं बी इंद्रजीत, नए बैट्समैन को मौका दिया गया बिकॉज ऑलरेडी जो है भारत श्रृंखला को जीत चुका है 4-0 से आगे चल रहा है, और ये सिर्फ एक लास्ट मैच है इस सीरीज का, अगर ये वाला भारत जीते तो यहाँ पे क्लीन स्वीप कर देगी ये श्रीलंका क्या। चलिए इस बार बेहतरीन ड्राइव ऊपर की तरफ थी, फुलर लेंथ बॉल ओवर पिच, और उसको भेजा है यहाँ पे कवर ड्राइव मार के चौके के लिए, बेहतरीन क्लियर करा है फैंस को दर्शन शाना का, इन्होंने पिछली लाइक मैच में आउट करा था अपने को पिछले थर्ड वाले में भाई, अनप्लेबल डिलीवरी डाली थी वो बाहर से एकदम अंदर की तरफ आने वाली, लाइक लेग कटर, लेग नहीं ऑफ कटर, या बाहर से अंदर की तरफ आने वाली ऑफ कटर। चलिए इस बार बड़ा शॉट खेलेंगे वहीं ऊपर वाली गेंद फुल लेंथ पैरों के पास, और उसको क्लियर कर रहा है बेहतरीन शॉट के साथ,
और मिल जाएगा हमें छक्का। पहली बाउंड्री जाती हुई यहाँ, सॉरी दूसरी बाउंड्री, और पहला सिक्स आता है उससे इनिंग का और इस मैच का वहीं के लिए। बढ़िया शॉट आर्क में थी और उसको जो है डिपॉजिट करा स्टैंड के अंदर। इजी बॉय यहाँ पर जो है फिर से ड्राइव कर दिया बाहर की तरफ की गेंद को, एंड आई थिंक सो यहाँ पर दो रन मिल जाएंगे गाइस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हो जाएगा या आराम से दो रन चुरा लिए। अब देखना ये होगा कि भारत कितना बड़ा लक्ष्य यहाँ पे देती है श्रीलंका को। 300 350 आई थिंक सो ओके रहेगा। यहाँ पे 20 ओवर के बाद 113 रन, 3 विकेट नहीं रिस्क हो जाएगा यहाँ पे। अच्छी कॉल यहाँ पे माही के जो है कैंसिल करा उस रन को, वरना बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता और पूरा विकेट भी जा सकता था वहाँ पे अपना। अरे भाई रन रेट जो हमारा चल रहा है गाइस 5.43। अरे ये दशुन शाना क्या यार मेरे को हर बार यार परेशान कर रहा है यार ये। नहीं क्या हुआ यार, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मुझे लग रहा है हम नहीं पहुंचे, हम शायद नहीं पता गाइस, मैं स्किप मार रहा हूं, आई डोंट नो यार। जिसका डर था वही हो गया यार, 6 गेंद में यार 15 रन, फिर से यार एक सस्ती इनिंग की लाइक आउट हो गए यहाँ पे रन आउट। पता नहीं यार गाइस, यार एक भी अच्छी इनिंग नहीं आ रही यार हमारी। ये भी लाइक इंडिया लेकिन जीत गई है और यहाँ पे जो है सीरीज को क्लीन स्वीप कर दिया। तो चलिए यहाँ पे ओडीआई सीरीज अब हमारी नेक्स्ट है जो कि होने वाली है 10 दिनों के बाद। एक मिनट आपको कैलेंडर दिखाता हूँ दोबारा से। ये होने वाली है गाइस 3 ODI की सीरीज और ये है हमारी न्यूजीलैंड के साथ। लाइक श्रीलंका वाली काफ़ी हल्की हुई थी, होपफुली ये वाली तगड़ी, और ये भी होने वाली भारत में। तो ये पहला मैच हमारा वानखेड़े है ऑब्वियसली यार, ये तो बैटिंग पिच ही रहने वाली है। चलिए यहाँ पे इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड फर्स्ट मैच इन वानखेड़े, बैटिंग पिच, बड़ा स्कोर ग्राउंड, लाइक ग्राउंड छोटा ही है काफ़ी। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा सा मजा आएगा, लाइक वो चैलेंज रहेगा, श्रीलंका के साथ उतना चैलेंज नहीं था हमारा। पूरी तरीके से पूरा का पूरा पछाड़ दिया वहां पे श्रीलंका को भारत ने, क्लीन स्वीप कर दिया 5 मैच से 5-0 से। अब देखते हैं ये न्यूजीलैंड से जीत पाते अपन सीरीज। ये वाली बाय द वे होने वाली है गाइस 3 मैचेस की सीरीज, यहाँ पे सिक्का उछाला गया। चलिए न्यूजीलैंड ने मांग करी हेड्स की। क्या भारत भाई यार लिटरली सीरीज से यार एक भी टॉस नहीं जीता है, पिछले सीरीज से टॉस ही नहीं जीता यार, ये सारे के सारे टॉस आ रहा है। चलिए यहाँ पे बॉलिंग ले ली है न्यूजीलैंड ने, लेट्स सी हम कितना स्कोर जो है खड़ा कर पाते हैं। और फिलहाल जो है 34 ओवर डाले जा चुके हैं, हमारी बैटिंग आएगी गाइस 34 ओवर के बाद। 207 रन ऑलरेडी लगा चुकी भारत 3 विकेट नुकसान पर। लेग पर गेंद और ट्रेंड बोल्ड के उसको फ्लिक कर दिया माही ने बेहतरीन तरीके से, आई थिंक सो गैप में है बट रोक लेंगे वहाँ फील्ड, बेहतरीन फील्डिंग डीप में, यहाँ पे सिर्फ मिलेंगे अपने को 3 रन, 1 रन बचा लिया भाई अपनी टीम के लिए। तो मैं यही बोल रहा था कि अपने को कम से कम 350 तो कम से कम लगाने पड़ेंगे। अब ये वाला भाई अच्छा निकालना पड़ेगा मैच, अगर ये वाला अच्छा नहीं निकालते ना हम तो फिर जो प्रमोशन मिला वो डिमोशन में भी चेंज हो सकता है। हम 7 पे खेलते तो अपने को 5 पे लाया गया है। और हम चाहते हैं ये वाला नंबर 3 या 4 पर आ जाए एटलीस्ट कम से कम, ताकि जो है थोड़ा सा वो प्रॉपर चांस मिले यहाँ पे अपने को बैटिंग करने का। चलिए यहाँ पे स्किप करता हूँ मैं, रन रेट चल रहा है गाइस 6 का, 7 तक तो ले जाऊंगा मैं कम से कम अगर रहा एंड तक रीच पर। तो बाय द वे एक कमजोरी मेरी पकड़ ली है इन लोगों ने, वो कटर्स डालना ऊपर की, ऊपर वाली कटर्स, फुलर लेंथ कटर्स। लेकिन वही चीज है अपने को, अब वो कटर्स पे विकेट नहीं देना है। इजी बॉय यहाँ पे काफी ज्यादा बाहर गाइस, गेंद वाइड होनी चाहिए, नहीं दी बाय द वे अंपायर ने। जिमी निशम यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी करते, 1 विकेट लिया ऑलरेडी उन्होंने। चलिए इस बार काफी ज्यादा बाहर, उसको जो है ड्राइव मार दिया है
ऑफ साइड दिशा में एक ही रन मिल जाएगा। यहाँ पे पिछली मैच में भाई रनआउट भी हुए थे हम पांच में, याद रखो यार वो चीज़। वो रिस्की डबल लिया था ना हमने, इसीलिए वो रनआउट हुए थे हम। इस बार भाई कोई रिस्की डबल नहीं है, इस बार सिंगल भी हम सोच समझ के लेंगे। इस बार बड़ी पारी खेलना भाई मुझे, ऐसे मौके जो है बर्बाद नहीं कर सकते हम, अगर लगातार जो है चांसेस को बर्बाद करेंगे तो बिठा देंगे भाई बेंच पे ये लोग, क्योंकि अच्छी खासी बेंच स्ट्रेंथ है ऑलरेडी भारत के पास। चलिए इस बार कदमों पर गेंद, इसको फ्लिक कर दिया लेग साइड दिशा में और फील्डर पीछे है, दो ही रन मिल पाएंगे, तीन मिल सकते हैं आई थिंक सो। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर था फील्डर, थ्रो भी उसका बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, लूज थ्रो काफ़ी ज़्यादा। और केन विलियम्स कप्तान खुद तो चेंजेस करते हो यहाँ पे फील्ड में, लेकिन हल्का सा सेट होगा ना यहाँ पर माही तो फिर तबाही मचा सकते हैं। चलिए इस बार ऊपर वाली गेंद, उसको पुल मारा है फाइनल लेग की तरफ, एक ही रन मिलेगा और मैं एक से ज्यादा लेना भी चाहूंगा अभी यहाँ पे। ऑल राइट, यहाँ पे 37 ओवर के बाद 219 तीन विकेट नुकसान पर भारत। यहाँ पे टी अग्रवाल जो है वो खेल रहे हैं 49 रन पर, तो एक रन के लिए मैं इनको स्ट्राइक दे देता हूँ भाई, एक रन इनको बना लेने देते हैं, इनका हाफ सेंचुरी हो जाएगा एटलीस्ट। यार बनाइए, मारो एक शॉट और आराम से सिंगल लेके अपना 50 पूरा कर लो, देखते हैं इनका 50। चलिए बेहतरीन शॉट, यहाँ पे हवा में खेला था भाई, दबे वन बाउंस जाता हूँ फील्डर के पास एक टाइम के लिए, लाइक हालत खराब हो गई होगी उनकी अग्रवाल की। और 90 स्ट्राइक रेट मारा भाई, 8 चौके 1 छक्का, नाइस। हम तो अभी अभी आए हैं गाइस बैटिंग के लिए, तो थोड़ा सा जो है समझ रहे अभी पिच को किस तरीके से खेल रही है और किस तरीके से बॉल आ रही है, हल्का स्लो लग रही है भाई था मुझे। नहीं भाई रिस्की हो सकता था ये, डायरेक्ट थ्रो होता अगर हमारे एंड पे तो काम तमाम भी हो सकता था हमारा, अगर लगती जाके तो। लेकिन चलिए यहाँ पे स्पिनर को इंट्रोड्यूस कराया है केन विलियमसन ने, मिशेल सैंटा उसको सामने तरफ खेल दिया है भाई दबे, कैचर की मांग है, वन बाउंस मिल जाएगा चौका, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेफ एरिया में खेला था बॉल के सर के ऊपर से साइड की तरफ, बेहतरीन चौका यहाँ पे माही का, वन बाउंस चिप करा था बेसिकली यहाँ पे शॉट को, मारना चाहते थे एक बड़ा शॉट, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे और फाइनली यहाँ पे चिप कर दिया। दूसरी गेंद सामने तरफ फिर से मारा है, सेम काइंड ऑफ शॉट और इस बार और भी बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा क्लियर करेगी और मिल जाएगा तो छक्का, पहला छक्का था गाइस इस इनिंग का और इस मैच का। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेहतरीन शॉट ये देखिए, टाइमिंग देखिए और आप आवाज़ सुनिए, विकेट से पता लग गया होगा आपको कि उठ जाएगा सिक्स के लिए, 100 मीटर का छक्का यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से। सेम काइंड ऑफ डिलीवरी मारा है सामने की तरफ ही और उससे भी बेहतर, लाइक पहला अगर बोले हम गुड, सेकंड वाला बेटर और थर्ड वाला बेस्ट, इसको बोलते हैं भाई लगातार हिटिंग ताबड़तोड़। सामने की तरफ पिक कर रहा हूँ आप बॉल और उसको बेहतरीन तरीके से जो है क्लियर कर रहा है महेंद्र सिंह धोनी, व्हाट अ शॉट। और देखते थे यहाँ पे 12 गेंदों में 27 रन पर पहुंच चुके हैं, इस बार काफी ज्यादा बाहर उसको गैप में खेला है लेकिन जाएगा सीधा फील्डर के हाथ में, एक रन मिल जाएगा आसानी से। मिचेल सेंटनर काफी ज्यादा तोड़ाई हो गई है लाइक इनकी, अभी भी लास्ट गेंद शेष है, बड़ा ओवर ही है गाइस। नहीं इस बार लेग कटर बोल रहा हूं मैं, लेग स्पिन, यहाँ पे बीट करा माही को, हल्का सा पेस दिया था उस वाली बॉल में, उसके वजह से जो है बीट हुआ वहाँ पे और साथ में हल्का सा स्पिन भी, हल्का सा नहीं लाइक अच्छा खासा स्पिन डाला भाई ऊपर वाली गेंद, मुझे पता था शायद ये ऊपर वाली गेंद डालने वाले हैं और हम गाइस तैयार थे वहाँ पे स्वीप के लिए, यहाँ पे एक टांग टिका के भाई मारा स्वीप फाइनल लेग की तरफ, बेहतरीन चौका, 4 रन यहाँ पे कह लीजिए, बढ़िया कनेक्शन, बढ़िया शॉट, बढ़िया टाइमिंग। 32 में पहुंच चुके हैं भाई माही यहाँ पे 15 गेंदों में, 8 नहीं कितने रन चाहिए मुझे और 50 के लिए, 16 समथिंग रन चाहिए, राइट 16 नहीं 18 रन चाहिए गाइस मेरे को और 50 के लिए,
20-25 गेंद में हो जानी चाहिए मेरी 50। फिर इस बार ड्राइव मारा है, गैप में भी है लेकिन फील्डर मौजूद है पीछे, दो रन मिल जाएंगे आसानी से। कॉल है वहां पे दो रन की और मिल भी जाएंगे। चलिए 17 गेंद गाइज, यहां पे 34 रन पर पहुंच चुके हैं माही। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभी भारत का करंट रन रेट चल रहा है वो चल रहा है 627 का, और अभी हमारे पास 10 ओवर और शेष हैं। अब क्या हम 10 ओवर में 100 रन लगा सकते हैं? तो 100 रन अगर हमने लगा दिए ना तो 350 का अच्छा टोटल हो जाएगा इस पिच के ऊपर। लाइक इस वानखेड़े एक सेफ टोटल नहीं बोलूंगा लेकिन एक फाइटिंग टोटल हो जाएगा। ऑब्वियसली बैटिंग पिच है, स्पिनर फ्रेंडली है, बट फास्टर के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे ज्यादा। तभी आप देख सकते हो कि सिर्फ मात्र 3 ही विकेट गए हैं अब भारत के। इसी के साथ अग्रवाल और हमारे बीच में जो है 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। इस बार भी मारा है फिर से लेकिन वहां पे एक ही रन मिलेगा, टीम में फील्डर मौजूद और कोई काम थ्रो तो एक ही रन ठीक है भाई, एक रन से ज्यादा चाहिए अभी नहीं है मुझे। 39 पहुंच चुके भाई, 195 स्ट्राइक रेट है करेंटली हमारा, 200 के ऊपर तो जाएगा अभी ऑब्वियसली थोड़ी देर में, जैसे ही वो 45 ओवर के बाद आप देखना 45 ओवर आते ना उसके बाद। ओ भाई बाई का रन मिलता हुआ यहाँ पे, बाय द वाइड भी रहेगी और बाई का चौका भी मिलेगा आपको। तो वही बोल रहा था गाइस कि यहाँ पे 45 ओवर के बाद असली शो शुरू होने वाला। तो भाई कुर्सी की पेटी और कमर की पेटी एकदम बांध के रेडी हो जाइए आप लोग क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ने वाला थोड़ी देर में। नहीं ये वाली बॉल से थोड़ा सा बच के रहने का, वहीं बहुत ज्यादा ऊपर थी वाइड यॉर्कर तो इसीलिए थोड़ा सा भाग्यशाली रहे, अगर लेंथ या जो है फुलर लेंथ रहती तो फिर यहाँ पर इस में आ सकते थे माही। चलिए कट शॉट निकाला यहाँ पे गैप में थर्ड ओवर की दिशा में और यहाँ पे मिल जाएगा एक रन आसानी से। हल्का सा जो है धीरे धीरे और स्लो ही हो रही है पिच। मुझे वही चेक करना है कि कहाँ मैं मार सकता हूँ, बेसिकली ऑन द राइज मार सकता हूँ, लॉन्ग ऑन पे मार सकता हूँ, लॉन्ग ऑफ में मार सकता हूँ, फ्लिक विलिक तो मार सकता हूँ पर गेंद भी आनी चाहिए। कट शॉट में नहीं खेलना चाहता क्योंकि वहाँ पे भी फील्डर है थर्ड मैन अप है और डीप में भी है शायद, अभी डीप में लगातार चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे केन विलियमसन अकॉर्डिंग टू बैट्समैन। चलिए फाइनली यहाँ पे हटाया है डाउन द ग्राउंड, वाइड गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे माही, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने का प्रयास पर तेज गति की लेग साइड पर गेंद मिस करते जाते हैं, वहां पे वाइड गेंद तो कनेक्शन नहीं वहां पे कुछ भी। चलिए इस बार आराम से खेला, गैप में डाला है भाई दबे और एक रन ही मिलेगा वहां पे, एक रन ठीक है इजी आराम से एक रन, और स्ट्राइक पर आ चुके हैं यहां पे अनुकूल रॉय, तो एक विकेट गिराया गया अग्रवाल का विकेट हो गया है एंड अनुकूल रॉय अब जो है आए बल्लेबाजी के लिए। 11 गेंद 10 रन, बेहतरीन गेंद यहां पे मिचेल सेंटनर की, लेग स्पिन हल्का सा तेज गति के साथ, 8 रन और चाहिए गाइस मेरे को जो है अर्धशतक के लिए। और नहीं नहीं वो चिप करके मारना चाहता था मैं यार, लेकिन वही वाली बात है मारना चाहते थे यहां पे चिप करके माही लेकिन वो उतना ज्यादा एलिवेशन नहीं मिल पाया उस वाली गेंद पर और गति को भी बहुत ज्यादा पीछे खींच जाता सीधा केन विलियमसन के हाथों में। कॉल राइट गाइज, यहाँ पे विकेट गिरता हुआ और आज का दिन जो है उतना ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा माही के लिए। ठीक है श्रेयस अय्यर आए हैं, देखते हैं कितना क्या रन बनाते हैं फाइनल। फिलहाल जीत गई शायद न्यूजीलैंड, नहीं जीत गई भाई भारत जीत गई यार। ऑल राइट यहाँ पे भारत ने बनाए थे गाइज 363 रन, कौन तोड़ा भाई, सब तूने तोड़ा, शुभमन गिल 77, रोहित शर्मा 58, तन्मय अग्रवाल 67, हिमांशु राणा 22, महेंद्र सिंह धोनी 42, तेज इनिंग वो तो अनफॉर्चुनेट रहे वहाँ विकेट हो गया वरना 42 की जगह 82 भी हो सकते थे ये। अनुकूल रॉय ने भी यार 36 रन बना दिए, अय्यर ने वहाँ पे 11 में 24 बना दिए, उसके बाद मुलानी ने 11 में 27, भाई सब ने तोड़ा है।
और यहाँ पे भाई इन लोगों ने भी ठीक ठाक रन बनाए, लेकिन काफ़ी क्लोज आई थिंक सो लास्ट लाइक भाई लास्ट ओवर तक मैच गया है। तो 363 बनाए थे यहाँ पे भारत ने और 346 ही बना पाई जवाब में न्यूजीलैंड की टीम, और यहाँ भारत पहला मैच जो है जीत चुकी भारत, यहाँ भारत को 1-0 के साथ इस सीरीज में। सेकेंड और थर्ड ओडीआई जो होगा वो 15 जनवरी को होगा, सेकेंड ओडीआई न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ये क्रूशियल मैच रहेगा न्यूजीलैंड के लिए और भारत के लिए भी। अगर भारत यहाँ पे जीतता है तो ऑब्वियसली सीरीज नाम कर लेगा क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज है। तो आज का वीडियो गाइज करते हैं हम लोग यहीं पर एंड। आज का दिन जो है परफॉर्मेंस आई नो माही के लिए उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं रहा है, लेकिन एक टीम कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक नॉक खेली है 42-42 रन की और वहाँ पर भी 20-25 रन कुछ समथिंग थे हमारे, तो एक टीम कॉन्ट्रीब्यूशन नॉक बोल सकते हो, लेकिन एक बड़ा माइलस्टोन नहीं था आज की इनिंग में। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभी जो है हमारा दिन नहीं होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो दिन नहीं होता है, शॉट्स आलतू फालतू लग जाते हैं और विकेट्स हो जाती है। तो आज का एपिसोड इसलिए हम करते हैं यहीं पर एंड होपफुली नेक्स्ट जो दिन है वो अच्छा होगा माही के लिए और सेकेंड और थर्ड ओडीआई जो है वो बढ़िया तरीके से जाएगा एंड एक बड़ा स्कोर होपफुली आपको देखने को मिल जाए, शायद शतक मिल जाए या फिर अर्धशतक। अर्धशतक तो खैर मिल ही जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अर्धशतक, यहाँ पे ऑलमोस्ट होते होते बचे 2 अर्धशतक, लेकिन होपफुली क्या पता एक शतक मिल जाए क्योंकि 3 से 4 इनिंग हो चुकी है गाइज, कुछ 2 में तो अपनी बैटिंग नहीं आई और जिन 2 में आई उसमें बड़ा स्कोर नहीं है हमारा, तो ठीक है कोई बात नहीं। और अगर आपकी वाला एपिसोड पसंद है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हो चैनल पे तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ, सबका ख्याल रखें अपना एंड गुड बाय एंड टेक केयर।